देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपनी भूमिका खुद तय करनी है और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ये उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो क्षेत्रीय दल जहां मजबूत हैं उनके साथ खड़ी हो बीजेपी से मुकाबला के लिए। अब क्योंकि बड़ी पार्टी है तो हम उसको कोई सुझाव नहीं दे सकते हैं, जो हमारा पक्ष है वो हम केवल कह रहे हैं, बाकी भूमिका वो बेहतर तय करेंगे। उन्होंने पदयात्रा की तो हमसे तो नहीं पूछा ना। अजीत भाई, इसका इनकाउंटर हुआ है उसको आपने फेक बताया है, तो अभी भी सपा जो है इस प्रकार के माफियाओं के साथ तो खड़ी नजर आती है, और अभी जो विपक्ष के अलायंस की भी कवायद चल रही है देश भर में, कई विपक्षी सारी पार्टियां जो है 2024 के लिए नामन हो रही है, तो आपको उम्मीद है कि ये इस प्रकार का फ्रंट बन पाएगा कि जो भाजपा से लड़ सकेगा? देखिए, ये बात कहना कि सपा किसके साथ है ये बात गलत है। सवाल ये कि हम लीडर ऑपोजिशन के साथ साथ सबसे बड़ी पार्टी है वहां पर, हम सवाल खड़े कर रहे हैं, और सवाल यूं ही नहीं खड़े कर रहे हैं, सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि हम दो तीन घटनाएं पीछे मुड़ करके देखें, आपसे बेहतर कौन जानेगा, महाकाल का जो दर्शन कर ले उसकी जान कैसे जाएगी बताओ हमें। हम तो भारत के रहने वाले लोग हैं, हम हिंदू परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। सोचो, किसी एक ने महाकाल का दर्शन किया, कुछ लोग ये कहते हैं कि महाकाल का दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन उसकी चौखट में तो आया वो, और सोचो उसकी गाड़ी पलट गई। आज गूगल है, गूगल अर्थ है, अमेरिका से मदद मांग लो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। क्या सरकार पर उंगली उठी थी कि नहीं उठी? और आप भी आंख बंद करके सोचो कि वो फैसला क्या था, कैसे हुआ। और केवल एक घटना नहीं, एक ब्राह्मण परिवार झोपड़ी में रहता था, जमीन उसकी थी, कई वर्षों से रहता था, प्रशासन के लोग आए, बुलडोजर चलाया, आग लग गई झोपड़ी में, जलने लगी, मां बेटी जिंदा जल गई, बाप बेचारा देखता रहा हम कैसे बचाएं, बेटी देखती रहे, बेटा देखता रहा हम कैसे बचाएं, और प्रशासन के लोग भाग गए, प्रशासन के लोगों ने जान ली। उसी जगह उसी के बगल में इतना मारा एक मुख्यमंत्री जी के जाति को, इतना मारा कि उसकी जान चली गई। हमने मांग की, वहां के सांसद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, उन्होंने मांग की कि प्रशासन ने गलत किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हमने कहा कि इस परिवार की 1 करोड़ से मदद हो, उन्होंने 1 करोड़ से मदद नहीं की, कुछ मदद की लेकिन चुपचाप काले धन से मदद की, सुनने वाला। अभी बलिया में जो घटना हुई, एक व्यापारी सूदखोर था, सूदखोर से पैसा लिया था, और व्यापारी इतना परेशान किया गया, इतना परेशान किया, फेसबुक लाइव करके उसने जान दे दी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी के करीबी लोग हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा। बलिया में अभी एक नौजवान को लाठियों से पीट पीट करके मार दिया, कम उम्र नौजवान, पता नहीं कल क्या होता, नेता होता क्या होता, लेकिन मार दिया उसको। क्या जो मारने वालों का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? ये तो 5-6 घटनाएं वो बता रहा हूं जो हाल की हैं। याद कीजिए, गोरखपुर में एक व्यापारी किया था, पुलिस ने मार मार के उसकी जान ले ली थी। तो मेरा सवाल यह है कि हम विपक्ष पार्टी हैं, हम किसी के साथ नहीं, किसी अपराधी के साथ नहीं, लेकिन जात के नाम पर, धर्म के नाम पर सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? अगर मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हैं तो उन्हें फूल से मारा जाएगा, फूल से छुआ जाएगा। ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मजबूरी में मैं ये बातें बोलनी पड़ रही। मैं तो सदन में कहा उनसे कि 10 माफियों की सूची दीजिए, 100 की सूची दीजिए, नहीं है। और हमारे तो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने केस वापस लिए। अगर सूची बनती माफियों की तो बताओ गोरखपुर का सबसे ऊपर नाम किसका होता? तो अब कहते हैं कि हम समाजवादी अपराधियों के साथ हैं, हालांकि आप में से कोई बुरा ना मानना, आजकल पैकेज का जमाना है, कभी कभी शोरूम में जाते हैं हम लोग, एक शर्ट के संग एक शर्ट फ्री मिल जाती है। आप सरकार का देखो, यूपी का मुझे पता है 2000 करोड़ का बजट है केवल चैनल को खबर दिखाने का, कि आपको खबर क्या दिखानी है। हम अगर आप कहते मुझे याद है झांसी में पुष्पेन यादव की जब हत्या हुई, और उस समय सरकार ने कहा नहीं, ये इनकाउंटर ठीक है, जैसा इनकाउंटर होता है हुआ है इनकाउंटर। जब वो परिवार कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने उन अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का ऑर्डर किया है। अभी हाल ही में मुरैना का याद कीजिए आप, जो परिवार मुझसे मिला था, मैंने 5 लाख की मदद की उस परिवार की,
वो बेटा अग्निवीर की भर्ती के लिए आगरा गया, पुलिस ने बस से उतारा और उसकी जान ले ली, जान ले ली। उसका परिवार जब हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने कहा एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए। मैंने अधिकारियों से बात की और अधिकारियों ने कहा हाँ कुछ इस तरह की बात है, जांच करेंगे। तो मैं दो उदाहरण आपको दे रहा हूं, और उत्तर प्रदेश में तो फेक एनकाउंटर में नंबर वन है, आपके कस्टोडियल डेथ में नंबर वन है, नेशनल ह्यूमन राइट ने नोटिस दिए हैं। तो हमें कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट स्वयं भी ले सकता है और परिवार के लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। अगर फेक एनकाउंटर किसी परिवार को लगता है, क्यों मुरैना का परिवार नहीं गया? क्या मुरैना का परिवार गया, पुष्पेंद का परिवार गया? और पुष्पेंद के परिवार की तो मान, उसकी पत्नी ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लेंगे। आप सरकार के पास क्या जवाब है? क्या सरकार को भेदभाव करना चाहिए? जिन्होंने बुलडोजर से, गाड़ी से चढ़ा करके मार दिया, और बुलडोजर से माँ बेटी जल करके मर गए, सब लाइव है, आज रिकॉर्ड है। बाप कह रहा है, बाप धरने पर, बेटा धरने पर, क्या सरकार उनका इनकाउंटर करेगी क्या? नहीं करेगी। क्यों नहीं कर रही सरकार इनकाउंटर? करे, अगर अपराधियों का इनकाउंटर कर रही है तो और अपराधी क्यों नहीं कर रही इनकाउंटर? उसमें जात और धर्म देख करके किस दिशा में आप देश को ले जा रहे हो? ये समाज को बांट करके राज करना चाहते हैं। चलिए मुकेश, एक ऐसा सवाल, इसलिए आप कहते हैं तो इसको आप कैसे काउंटर करेंगे, ये मैं पूछना चाहता हूं। मुझे याद है झांसी में पुष्पेंद्र यादव की जब हत्या हुई, और उस समय सरकार ने कहा नहीं ये इनकाउंटर ठीक है, जैसा इनकाउंटर होता है हुआ है इनकाउंटर। जब वो परिवार कोर्ट में पहुंचा हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट ने उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर किया है। अभी हाल ही में मुरैना का याद कीजिए आप, जो परिवार मुझसे मिला था, मैंने 5 लाख की मदद की उस परिवार की। वो बेटा अग्निवीर की भर्ती के लिए आगरा गया, पुलिस ने बस से उतारा और उसकी जान ले ली, जान ले ली। उसका परिवार जब हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैंने अधिकारियों से बात की और अधिकारियों ने कहा हाँ कुछ इस तरह की बात है, जांच करेंगे। तो मैं दो उदाहरण आपको दे रहा हूं, और उत्तर प्रदेश में तो फेक एनकाउंटर में नंबर वन है, आपके कस्टोडियल डेथ में नंबर वन है, नेशनल ह्यूमन राइट ने नोटिस दिए हैं। तो हमें कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट स्वयं भी ले सकता है और परिवार के लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। अगर फेक एनकाउंटर किसी परिवार को लगता है, क्यों मुरैना का परिवार नहीं गया? क्या मुरैना का परिवार गया, पुष्पेंद का परिवार गया? और पुष्पेंद के परिवार की तो मान, उसकी पत्नी ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लेंगे। आप सरकार के पास क्या जवाब है? क्या सरकार को भेदभाव करना चाहिए? जिन्होंने बुलडोजर से, गाड़ी से चढ़ा करके मार दिया, और बुलडोजर से माँ बेटी जल करके मर गए, सब लाइव है, आज रिकॉर्ड है। बाप कह रहा है, बाप धरने पर, बेटा धरने पर, क्या सरकार उनका इनकाउंटर करेगी क्या? नहीं करेगी। क्यों नहीं कर रही सरकार इनकाउंटर? करे, अगर अपराधियों का इनकाउंटर कर रही है तो और अपराधी क्यों नहीं कर रही इनकाउंटर? उसमें जात और धर्म देख करके किस दिशा में आप देश को ले जा रहे हो? ये समाज को बांट करके राज करना चाहते हैं।